गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में फाजांस या फायांस नियम कंप्लीट हो गया था। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है दिव धूर्व आघ्रुण। दिव धूर्व आघ्रुण या आबंध ध्रुवणता, दिव ध्रुव आघ्रुण या क्या है आबंध ध्रुवणता। देखो, दिव ध्रुव आघ्रुण क्या होता है? अपने पास ये दो ध्रुव है, ए और बी। दो ध्रुव है ए और बी। ए पे प्लस क्यू आवेश है और बी पे माइनस क्यू, और इन दोनों के मध्य दूरी क्या है? डी। दोनों के मध्य दूरी क्या है? डी है। तो देखो, एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दिव ध्रुव आघ्रुण। एक ध्रुव का आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? दिव ध्रुव आघ्रुण। तो आपका पहला पॉइंट, दिव ध्रुव आघ्रुण, एक ध्रुव के आवेश, एक ध्रुव के आवेश वह दोनों ध्रुव के, दोनों ध्रुवों के मध्य, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, और दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? बंद लंबाई। क्या कहते हैं? बंद लंबाई। एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी यानी बंद लंबाई का गुणनफल, गुणनफल दिव ध्रुव आघ्रुण, दिव ध्रुव आघ्रुण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिव ध्रुव आघ्रुण कहलाता है। एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? दिव ध्रुव आघ्रुण। ओके बच्चों, अब देखो, दिव ध्रुव आघ्रुण को म्यू से दर्शाते हैं। दिव ध्रुव आघ्रुण को किसे दर्शाओगे? म्यू से। तो देखो, दिव ध्रुव आघ्रुण को, दिव ध्रुव आघ्रुण को म्यू, म्यू से दर्शाया जाता है। दिव ध्रुव आघ्रुण को किसे दर्शाया जाता है? म्यू से। तो देखो, दिव ध्रुव आघ्रुण, दिव ध्रुव आघ्रुण बराबर विद्युत आवेश, विद्युत आवेश गुणा दूरी, विद्युत आवेश गुणा दूरी। एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी यानी बंद लंबाई का गुणनफल क्या होता है? दिव ध्रुव आघ्रुण। दिव ध्रुव आघ्रुण को किसे दर्शाओगे? म्यू से। तो दिव ध्रुव आघ्रुण बराबर विद्युत आवेश गुणा दूरी। अब देखो, दिव ध्रुव आघ्रुण को किसे दर्शाया गया? म्यू से। म्यू बराबर विद्युत आवेश को क्यू से, और दूरी को किसे दर्शाया? डी से। तो म्यू बराबर क्या हो गया? क्यू गुणा डी। म्यू बराबर क्या हुआ? क्यू गुणा डी। जहाँ
जहाँ म्यू बराबर दिव ध्रुव आघूर्ण, दिव ध्रुव आघूर्ण, और क्यू बराबर विद्युत आवेश, और डी बराबर क्या है दूरी, डी बराबर क्या है दूरी, जिसको अपन बंद लंबाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? बंद लंबाई। ओके बच्चों, तो एक ध्रुव के आवेश ए और बी दो ध्रुव है, एक पे प्लस क्यू है एक पे माइनस क्यू है, दोनों के मध्य की दूरी क्या है डी है। तो एक ध्रुव के आवेश व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी यानी बंद लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है? दिव ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दिव ध्रुव आघूर्ण को किसे दर्शाया जाता है? म्यू से। दिव ध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश गुणा दूरी, दूरी का मतलब बंद लंबाई। दिव ध्रुव आघूर्ण को म्यू से, विद्युत आवेश को क्यू से, दूरी को डी से, जहां म्यू बराबर दिव ध्रुव आघूर्ण, क्यू बराबर विद्युत आवेश, और डी बराबर क्या होता है दूरी होती है। ओके बच्चों, अब देखो क्यू बराबर 10^-10 ESU होता है, और D बराबर 10^-8 सेंटीमीटर होता है। Q बराबर तो क्या होता है? 10^-10 ESU, और D बराबर क्या होता है? 10^-8 सेंटीमीटर। अब देखो, तो इसका दूसरा पॉइंट अपन करेंगे दिव ध्रुव आघूर्ण का। दिव ध्रुव आघूर्ण की इकाई डिबाई होती है। दूसरा पॉइंट है दिव ध्रुव आघूर्ण की इकाई डिबाई CGS पद्धति में। दिव ध्रुव आघूर्ण की इकाई CGS पद्धति में डिबाई होती है। दिव ध्रुव आघूर्ण की इकाई CGS पद्धति में क्या होती है? डिबाई होती है। तथा SI पद्धति में कूलाम गुणा मीटर C/m होती है। CGS पद्धति में तो दिव ध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? डिबाई, और SI पद्धति में क्या होती है? कूलाम गुणा मीटर। अभी अभी मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि Q बराबर 10^-10 ESU और D बराबर 10^-8 सेंटीमीटर। D बराबर क्या बताया था? 10^-8 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, एक डिबाई बराबर 10^-18 ESU सेंटीमीटर। क्यू बराबर तो 10^-10 और डी बराबर 10^-8 सेंटीमीटर। तो 10^-10 और 10^-8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10^-18 ESU सेंटीमीटर बराबर 3.33 × 10^-30 कूलाम गुणा मीटर। क्या होती है? कूलाम गुणा मीटर। ओके बच्चों, तो एक डिबाई बराबर 10^-18 ESU सेंटीमीटर बराबर
कूलाम गुणा मीटर में करोगे तो 3.33 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलाम गुणा मीटर। ओके, अब देखो इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है आपके पास दिव्य धूर्व आग्रुण एक सदिश राशि है। दिव्य धूर्व आग्रुण एक सदिश राशि है। दिव्य धूर्व आग्रुण क्या है? सदिश राशि। दोनों परिमाण व दिशा पाई जाती है। परिमाण व दिशा पाई जाती है। ओके बच्चों, तो दिव्य ध्रुव आग्रुण क्या है? एक सदिश राशि है। दोनों परिमाण व क्या पाई जाती है? दिशा पाई जाती है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है दिव्य ध्रुव आग्रुणे समानुपाती दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। दिव्य ध्रुव आग्रुण समानुपाती दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी दिव्य ध्रुव आग्रुण उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। मैंने आपको विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में पढ़ाया था। विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में मैंने आपको दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाया था, सहसंयोजी बंध में प्रतिशत आयनिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों में प्रतिशत आयनिक गुण की गणना हेनी और स्माइत समीकरण द्वारा की गई थी, और उसमें उस टाइम पे आपने मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन भी करवाए थे। NaF का करवाया था, HF का, HCl का, HBr का, HI का मैंने आपको खुद को दिया था करने के लिए। सबकी प्रतिशत आयनिक गुण या प्रतिशत आयनिक प्रतिशतता निकाली थी अपने सबकी, तो मैं यहाँ निकाल के नहीं बताऊँगी, यहाँ सीधी लिखूँगी क्योंकि पहले बताया हुआ है आपको। तो देखो दिव्य ध्रुव आग्रुण समानुपाती दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। अब देखो जैसे मैं आपके पास सारणी बना रही हूँ, ये तो क्या हो गई? कर्म संख्या ये हो गए अणु और ये हो गया विद्युत ऋणता में अंतर, अक्स ए माइनस अक्स बी। ये हो गया प्रतिशत आयनिक गुण और ये हो गया दिव्य ध्रुव आग्रुण और दिव्य ध्रुव आग्रुण किसमें है? डिवाई में है। दिव्य ध्रुव आग्रुण किसमें है? डिवाई में। कर्म संख्या एक, कर्म संख्या दो, तीन
और कर्म संख्या चार, देखो HF, HCl, HBr और HI। विद्युत ऋणता में अंतर निकालोगे अक्स ए माइनस अक्स बी। मैंने आपको आवर्त सारणी वाले पाठ में अंतर करवाया है और सबकी विद्युत ऋणता भी लिखवाई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की कितनी है 4.0, क्लोरीन की कितनी है 3.0, ब्रोमीन की कितनी है 2.8 और आयोडीन की कितनी है 2.5। और आपके पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1। तो अक्स ए माइनस अक्स बी मैंने आपको हेनी और इस्माइत समीकरण करवाते समय भी बताया था, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसको अक्स ए, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसको अक्स बी। तो आयोडीन की विद्युत ऋणता कितनी है 2.5, तो 2.5 में से 2.1 गया तो कितनी बच गया 0.4, तो यहाँ कितना आया 0.4। ब्रोमीन की कितनी है 2.8, तो 2.8 माइनस 2.1 तो कितनी आया 0.7, कितनी लिख दूँ 0.7। HCl की कितनी है 2.Cl की 3.0 और 2.1, 10 में से गया 9, 2 में से 2 गया 0 तो कितनी आ गई 0.9। इसी प्रकार HF की निकालोगे, फ्लोरीन की 4.0 तो 4.0 और 2.1, 10 में से गया 9, 3 में से 2 गया 1, कितना आया 1.9। ओके बच्चों, अब प्रतिशत आयनिक गुण मैं निकाल के नहीं बताऊंगी क्योंकि विद्युत ऋणता वाले लेसन में मैंने आपको अच्छी तरह क्वेश्चन करवाए हैं। HF का प्रतिशत आयनिक गुण कितना है 43%, और HCl का 17%, HBr का 12.9% और इसका 7%। द्विध्रुवा आघूर्ण 0.38 डिवाई, इसका 0.78 डिवाई, इसका 1.03 डिवाई और इसका है 1.92 डिवाई। अब देखो पॉइंट को समझो, द्विध्रुवा आघूर्ण समानुपाती दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर जिसका ज़्यादा होगा द्विध्रुवा आघूर्ण भी उसी का क्या होगा ज़्यादा होगा। तो बताओ बंधित परमाणुओं में विद्युत ऋणता का अंतर किस में ज़्यादा है HF में, तो द्विध्रुवा आघूर्ण भी सबसे ज़्यादा किसका है HF का। HCl में 1.0 सबसे कम अंतर 0.4, तो द्विध्रुवा आघूर्ण भी सबसे कम 0.38 डिवाई, जो किसकी है HI की। प्रतिशत आयनिक गुण सीधा ऐसे मत सोचना कि सीधा लिखाया है, क्योंकि मैंने आपको विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग का केवल 5-6 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें ये लिख ली थी, केवल HI का मैंने आपको करने के लिए दिया था। ओके बच्चों, तो द्विध्रुवा आघूर्ण के कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए 4। अब देखो पाँचवा पॉइंट है किसी सहसंयोजी बंध में द्विध्रुवा आघूर्ण का पांचवा पॉइंट है किसी सहसंयोजी बंध में, या ऐसे बोल दो किसी सहसंयोजी यौगिकों में प्रतिशत आयनिक गुण हेनी व इस्माइत
हेनी व इस्माइत समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। समीकरण द्वारा क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। हेनी और इस्माइत समीकरण क्या था? प्रतिशत आयनिक गुण बराबर 16 अक्स ए माइनस अक्स बी प्लस 3.5 अक्स ए माइनस अक्स बी का स्क्वायर। इसी से आपको पता है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई की प्रतिशतता निकलेगी। ओके बच्चों, जहाँ अक्स ए परमाणु ए की विद्युत ऋणता है। अक्स ए परमाणु ए की क्या है? विद्युत ऋणता। और अक्स बी परमाणु बी की विद्युत ऋणता है। परमाणु बी की क्या है? विद्युत ऋणता। ओके बच्चों, नोट करो एक मिनट। तो देखो, किसी सहसंयोजी यौगिक में प्रतिशत आयनिक गुण हेनी व इस्माइत समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत आयनिक गुण बराबर 16 अक्स ए माइनस अक्स बी प्लस 3.5 अक्स ए माइनस अक्स बी का स्क्वायर, जहां अक्स ए परमाणु ए की विद्युत ऋणता है और अक्स बी परमाणु बी की क्या है? विद्युत ऋणता। अब देखो, अगला छठवां पॉइंट है, द्विध्रुव आघूर्ण का छठवां पॉइंट है। द्विध्रुव आघूर्ण को छोटे तीर से प्रदर्शित किया जाता है। छोटे तीर से प्रदर्शित किया जाता है जिसकी पूंछ पर धनात्मक चिन्ह होता है तथा शीर्ष ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करता है। शीर्ष किसको प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करता है। ओके बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण को छोटे तीर से प्रदर्शित किया जाता है जिसकी पूंछ पर धनात्मक चिन्ह होता है तथा शीर्ष ऋणात्मक सिरे को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। देखो कैसे, ये छोटा तीर है, ये पूंछ है धनात्मक चिन्ह और ये शीर्ष है जो किसको प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक को। जैसे एच और एफ कम विद्युत ऋणी तत्व है, और अधिक विद्युत ऋणी तत्व। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.1 और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4.0। कहने का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण को छोटे तीर से प्रदर्शित करते हैं
जिसकी पूंछ पर धनात्मक और ऋण शीर्ष भाग किसको प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक सिरे को। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो उसमें दीव दूर्वा अग्रुण आपको दर्शाना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल कर दिया एच एफ, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसकी तरफ पूंछ, और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उसकी तरफ क्या करोगे? शीर्ष करोगे। ओके बच्चों, वेरी मोस्ट पॉइंट, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी तरफ पूंछ, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी तरफ क्या करोगे? शीर्ष भाग करोगे। देखो मैंने लिख दिया कम विद्युत ऋणी तत्व और अधिक विद्युत ऋणी, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी तरफ पूंछ होगी, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी तरफ क्या होगा? शीर्ष होगा। जैसे हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और फ्लोरीन की 4.0। ये द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण के कितने पॉइंट हो गए? 6। पहला पॉइंट मैंने बताया एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी यानी बंद लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण। द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण को किसे दर्शाया जाता है? म्यू से। द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण बराबर विद्युत आवेश गुणा दूरी, दूरी को आप बंद लंबाई भी लिख सकते हो, तो म्यू बराबर क्यू गुणा डी, यानी म्यू द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण, क्यू विद्युत आवेश और डी क्या है? दूरी या बंद लंबाई। फिर आपने दूसरा पॉइंट किया द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण की सीजीएस पद्धति में इकाई डीवाई होती है और एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? कूलाम गुणा मीटर। आपने एक डीवाई बराबर किया 10^-18 ईएसयू सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू बराबर 10^-10 ईएसयू होता है और डी बराबर 10^-, क्यू और डी बराबर कितना होता है? 10^-8 सेंटीमीटर। तो एक डीवाई बराबर कितना हो गया? 10^-18 सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर बराबर 3.33 × 10^-30 कूलाम गुणा मीटर। ओके बच्चों, फिर आपने किया द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण एक सदिश राशि है, क्योंकि दोनों परिमाण व दिशा पाई जाती है। फिर आपने चौथा पॉइंट किया द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण समानुपाती, दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर, यानी बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होगा, द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण का मान उतना ही ज़्यादा होगा। फिर मैंने सारणी बनाई है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ऊपर ही ऊपर क्या है? एच आई। विद्युत ऋणता में अंतर आपको निकाल के दिखा दिया, प्रतिशत आयनिक गुण बता दिया, द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण बता दी। जिसका द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता में अंतर भी क्या था? ज़्यादा। फिर आपने पांचवा पॉइंट किया सहसंयोजक यौगिकों में प्रतिशत आयनिक गुण हेनी और स्माइथ समीकरण द्वारा क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। हेनी और स्माइथ समीकरण 16xA-xB+3.5xA-xB का स्क्वायर। अक्षे परमाणु ए की विद्युत ऋणता है और अक्ष भी क्या है? परमाणु बी की विद्युत ऋणता। फिर आपने किया द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण को छोटे तीर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी पूंछ पर धनात्मक चिन्ह होता है और शीर्ष ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको छोटे तीर दिखा दिया, पूंछ और शीर्ष दिखा दी। पूंछ किसकी तरफ करोगे? जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है, और शीर्ष किसकी तरफ करोगे? जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। ओके बच्चों, अगली क्लास में ही अपन द्विध्रुव ध्रुवा अग्रुण पढ़ेंगे, जिसमें ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु पढ़ेंगे। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।